हेलो एवरीवन, मैं हूं अकेलोनो सोशल से और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस। मुझे अच्छे से ये चीज मालूम है, आप लोगों में से काफी लोग होंगे जिनको इन दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं पता होगा। अगर आप उनमें से एक हैं जिन्हें दोनों के बीच में डिफरेंस एग्जैक्टली नहीं पता, तो अभी अपना हाथ ऊंचा करो। हाथ ऊंचा कर ही लिया तो बाकी फिंगर फोल्ड कर लो, पर एक उंगली बचनी चाहिए। अब यही उंगली को यूज करके कुछ और नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ लाइक पे हिट करना है। और जिन लोगों को ये ऑलरेडी मालूम है तो आपको ये चीज मुझे जरूर बताना है कि आपको ये ऑलरेडी मालूम है तो आपको भी उस लाइक बटन पे हिट करना है। उसके पहले कि मैं आपको डिफरेंसेस के बारे में बताऊं, एक छोटी सी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दी चैनल, क्योंकि मैं इसी तरीके से डेली वीडियोस करता रहता हूं जहां पे मैं आपको काफी यूजफुल इंफॉर्मेटिव वीडियोस एवरी सिंगल डे दे रहा हूं। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो अभी भी कर लेना। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपके पास में कुछ भी सजेशंस हैं, कुछ भी अगर आपको क्वेश्चंस पूछने हैं या और भी कुछ शेयर करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में, तो प्लीज फील फ्री टू डू दैट। क्योंकि मैं आगे आने वाले सभी वीडियोस में, मैंने कल से ये स्टार्ट किया है, आगे आने वाले सभी वीडियोस में मैं मिनिमम 5 कमेंट्स को फीचर करूंगा आगे आने वाले वीडियो में। मतलब जैसे मैं जो कल मैंने जो वीडियो किया था उसके जो कमेंट्स हैं वो आपको इसी वीडियो में फीचर दिखेंगे कहीं ना कहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप कल के वीडियो में अपने आज के कमेंट्स को फीचर होता हुआ देखें, तो प्लीज मेक श्योर आप कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करिए। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बात करते हैं सबसे पहली चीज जो कि है बेसिक डेफिनेशन सैचुरेशन की और वाइब्रेंस की, क्योंकि इसी के साथ साथ मैं आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देने वाला हूं इन अ लैपटॉप सॉफ्टवेयर और दूसरा एक मोबाइल ऐप में भी। तो सबसे बेसिक डेफिनेशन पहले समझ लेते हैं सैचुरेशन की। तो सैचुरेशन जब भी आप इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं वो ओवरऑल इंपैक्ट करता है हर एक कलर को। तो अगर मान लीजिए आप किसी भी फोटो का सैचुरेशन इंक्रीज करते हैं तो उस पर्टिकुलर फोटो में जितने भी कलर्स अवेलेबल होंगे वो सभी के सभी इंक्रीज होंगे यूनिफॉर्मली। ऐसा एक भी कलर नहीं होगा जो कम इंक्रीज होगा। तो हर किसी कलर की इंटेंसिटी बढ़ती है सैचुरेशन को बढ़ाने से। वहीं पे अगर हम बात करें वाइब्रेंस की, तो ये भी एक सैचुरेशन का ही पार्ट है, पर मैं बोलूंगा इस चीज को एक स्मार्ट सैचुरेशन। किस तरीके से, जब भी आप वाइब्रेंस को इंक्रीज करते हैं तो वो ओवरऑल इंपैक्ट नहीं करता है हर एक कलर पे, वो इंपैक्ट करता है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कलर्स को जो कहीं ना कहीं काफी सप्रेस्ड होते हैं, डोमिनेंट नहीं होते हैं, जिनको सैचुरेट होने की जरूरत पड़नी चाहिए। और उसी के साथ साथ वाइब्रेंस जब भी आप यूज करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट है स्किन के टोन के ऊपर नहीं पड़ता है। पड़ता भी है तो बहुत ही माइन्यूट पड़ता है, जो अननेचुरल नहीं दिखता है। मतलब ऐसा नहीं दिखता है कि भाई जो स्किन थी वो ऑरेंज हो गई है, रेडिश हो गई है, क्योंकि आपने सैचुरेशन को इंक्रीज किया। तो वाइब्रेंस में और सैचुरेशन में बेसिक डिफरेंस यही है कि सैचुरेशन में ओवरऑल सारे कलर्स में इंपैक्ट होता है, वहीं पे वाइब्रेंस स्मार्टली उस चीज पैक करता है जिन कलर्स को बढ़ने की जरूरत है उसी को ही वो सैचुरेट करता है, वो भी एक लिमिट तक स्मार्टली, ताकि कोई भी चीजें गंदी नहीं दिखे, जो डिटेल्स है कलर में भी वो भी नहीं जाए। अब मैं आपको लेके चलता हूं मेरे लैपटॉप पे। सबसे पहले मैं आपको फोटोशॉप में बता देता हूं कि किस तरीके से कैसा इंपैक्ट होता है। तो जैसा आप देख रहे हैं इस पर्टिकुलर फोटो में, अगर मैं जाता हूं सैचुरेशन को इंक्रीज करता हूं, तो जैसे ही मैं सैचुरेशन को इंक्रीज करता हूं आपको यहां पे नजर आ रहा है मैंने जो सैचुरेशन है 100% किया और उसका जो इंपैक्ट है वो हर एक कलर पे पड़ा है। और ये जो फोटो है ये इतना ज्यादा कलर वाला दिख रहा है कि इसकी जो डिटेल्स ही ना सारी चली गई। वहीं पे अगर मान लीजिए मैं इसको वापस से नॉर्मल कर देता हूं, अगर मैं इसी सैचुरेशन को इंक्रीज ना करते हुए अगर मान लीजिए इस बार मैं वाइब्रेंस को इंक्रीज करता हूं, तो मेरा जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ उन्हीं कलर्स पे पड़ा है जिनको सैचुरेट होने की जरूरत थी। मेरी जो स्किन थी इस पर्टिकुलर वाला जो सब्जेक्ट की जो स्किन थी वो डेफिनेटली अननेचुरल नहीं दिख रही है। पर अगर मान लीजिए कि आपको एक परफेक्टली एडिटेड फोटो चाहिए, वाइब्रेंस को 100% इंक्रीज करने के बाद में भी आपको वो रिजल्ट नहीं मिला है जो एक्चुअली आप चाहते हैं, तो मेरा सजेशन और मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि आपको कहीं ना कहीं इन दोनों को ही यूज करना चाहिए अगर आपको एक वाइब्रेंस इंक्रीज करने से आपका डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता है। तो चलो वही चीज हम इस पर्टिकुलर फोटो में करते हैं कि थोड़ा सा सैचुरेशन बढ़ाएंगे, थोड़ा सा वाइब्रेंस बढ़ाएंगे और देखेंगे कि हमारा इंपैक्ट ओवरऑल उस फोटो पे क्या पड़ता है। तो इसी फोटो में मैं यहां पे सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ाता हूं, बाकी वाइब्रेंस को थोड़ा सा बढ़ाता हूं और ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ये जो पर्टिकुलर चीज है ये काफी बेटर दिख रही है इन कंपैरिजन टू व्हाट
आई एक्चुअली गॉट व्हेन आई इंक्रीज अ वाइब्रेंस टू 100%। तो चलिए अब यही चीज हम फोन पे भी करके देख लेते हैं। तो जो आप मैं यूज कर रहा हूँ वो है Lightroom मोबाइल। तो आपको सिर्फ अपना सब्जेक्ट है वो ओपन करना पड़ेगा, जो फोटोग्राफ आप ओपन कर रहे हैं वो करने के बाद में ऑल यू हैव टू डू इज गो टू कलर्स। कलर्स में जाने के बाद में थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए, आपको वाइब्रेंस और सैचुरेशन दोनों का ऑप्शन नजर आ जाएगा। वाइब्रेंस जैसे ही मैं इंक्रीज करता हूँ आपको दिखेगा जो मेरा जो ओवरऑल इंपैक्ट है वो इतना नहीं पड़ा है। वहीं पर अगर मैं इसको वापस से नॉर्मल करके जीरो करके अगर सैचुरेशन इंक्रीज करता हूँ तो आपको दिखेगा जो ओवरऑल इंपैक्ट था कलर का वो पूरे फोटो पे पड़ा है, जो मेरे फोटो को काफी अननेचुरल सा दिखा रहा है। पर वहीं पे आपको कुछ और ऑप्शंस यहां पे दिख रहे हैं, जो है टिंट है, टेम्प है, ह्यू होता है, ल्यूमिनोसिटी होता है। अब ये सारी चीजें क्या होती हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक और वीडियो करूं जहां पे मैं आपको बाकी कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी समझाऊं, या फिर इसी तरीके से आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं जहां पे आप किन्हीं दो चीजों के बीच में डिफरेंस या किन्हीं तीन चार चीजों के बीच में डिफरेंस या फिर कोई प्रैक्टिकल इंपैक्ट देखना चाहते हैं किसी भी चीज का, तो कमेंट सेक्शन ओपन है या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं। प्रिटी श्योर आई वुड लव टू डू ऑल दीज थिंग्स, जिससे मैं आपको हेल्प करूंगा इन चीजों को ज्यादा अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि जब तक आपके पास में डीपर इंफॉर्मेशन नहीं होती है आप उस चीज का इंपैक्ट नहीं जान पाते अच्छे से और आप उस चीज को सही जगह पे सही टाइम पे यूज नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में मैं आपको यही शेयर करना चाहता था। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है कर लीजिए, 2 लाख के आसपास बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं। मैं आशा कर रहा हूं कि इस मंथ के एंड तक हमारे लगभग 2 लाख या उसके आसपास हम पहुंच जाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग लगभग 3,500 सब्सक्राइबर्स दूर हैं। तो अगर आप हेल्प करना चाहें, कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहें, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हैव योर सपोर्ट। अगर इस वीडियो को लाइक नहीं करा अभी तक तो कर लेना, कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं इसी वीडियो के कमेंट्स उठा के कल के वीडियो में कुछ कमेंट्स को फीचर करने वाला हूं, शाउट आउट देने वाला हूं। बाकी आपको सिर्फ अपना ध्यान रखना है, अपने परिवार वालों को ध्यान रखना है, क्योंकि जो सिचुएशन है वो काफी डिफिकल्ट है। कोरोना COVID-19 के केसेस हैं वो काफी इंक्रीज होते जा रहे हैं। वी हैव टू एक्ट रेस्पॉन्सिबली एंड एथिकली। बाकी टेक केयर, मैं आपको कल अपने एक और वीडियो में मिलता हूं। बाय।